SRM टुडे शहर की आवाज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने BLC घटकों के मकानों का आज भोपाल से आई टीम द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें मकानों का निरीक्षण कर जिन लोगों के मकान हाई टेंशन लाइन के नीचे बने हैं उनसे भी चर्चा की गई। मंदसौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का निरीक्षण करने के लिए आज भोपाल से एक टीम मंदसौर आई। इस टीम के सदस्यों के साथ मंदसौर के अधिकारियों द्वारा भी मकानों का निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों की पहले से ही जमीन है उन्हें जमीन पर मकान बनाने के लिए सहायता राशि दी जा रही है और यह राशि 2.5 लाख रुपए हितग्राहियों को दी गई, जिसमें BLC घटकों द्वारा रहने के मकानों का निर्माण कार्य किया गया। इस टीम द्वारा उन मकानों का निरीक्षण किया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं या बन रहे हैं। साथ ही इस निरीक्षण के दौरान टीम द्वारा ऐसे मकानों का भी निरीक्षण किया गया जिन मकानों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, क्योंकि यदि इनके मकानों पर ये हाई टेंशन लाइन गुजर रही है तो इनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ऐसे लोगों से भी टीम द्वारा चर्चा की गई। आ रहे थे आगे तो चल रहे हैं यहाँ बातें करते करते हम लोग पूरा शहर मेन सड़क से क्यों आए हैं यूँ आते आते यहाँ खतरनाक है। हाँ ये तो खतरनाक है। इसके अलावा कोई जमीन है तो दूर हो सही है तो जमा दो। ये लोग आए चार लोग आ रहे हैं। मैदान हो जाएगा तो ये हाई टेंशन लाइन का कपड़ा खत्म हो जाएगा। इनको मल्टी में मकान मिल जाएगा, सब सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके अलावा मतलब ये दो लाख किराए के मकान दे रहे हैं तो 2,000-2,500 मकान मिल जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हम BLC घटकों के यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हैं कि उनके घर कैसे बने हैं, उनको कोई तकलीफ तो नहीं है, वो उनकी रिव्यू लेने आए हैं कि वो कैसे हैं, उनको खुश वो कितने खुश हैं।
तो उसी लिए आए हैं हम, और दूसरे घटकों के लिए भी आए हैं, और जैसे ये हाई टेंशन के नीचे रह रहे हैं उनको कोशिश करके उनसे बात करके कि उनको कहीं और AHP साइट्स जो हैं उन उधर उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के लिए खिलवाड़ है, खिलवाड़ से कम नहीं है ये, तो उसी लिए हम लोग यहाँ आए हैं। सर क्या पाया गया अभी जो निरीक्षण किया आपने? देखिए यहाँ पे जितने भी BLC के घटक हैं जिन्होंने मकान बना लिया और जो बना रहे हैं वो बहुत खुश है, तो वो बहुत ही उनको बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहले किसी झुग्गी में रह रहे थे, उसके बाद फिर अब इतना इनका खुद का अपना मकान हो गया। उन्होंने कईयों ने अपने हमारे को बताया कईयों ने कर्ज लेके अपने ऊपर से और अलग से थोड़ा अपना मकान अच्छा बनाने की कोशिश करी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। सर अभी तक तो यहाँ पे 154 लोग। देखिए BLC घटकों के नियम ये हैं कि जिनके पास पट्टा है, जिनके पास ज़मीन है, उनको सरकार पैसा देती है, 2,50,000 रुपये तक का बनाने का पैसा देती है, भारत सरकार देती है, जिसका उन्हें वापस नहीं करना होता है, तो उसका ये फ़ायदा पूरा उठाते हैं, अपनी तरफ से अच्छा से घर बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये फ़ायदा ज़रूरी है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जितने भी हितग्राही हैं जितने इनके नहीं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आके अपना कम से कम 2022 तक अपना घर तो पक्का कर लें। योजना में सर देखने में आता है कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी जो होती है उसमें नहीं मिलता है, क्या देखिए इसमें अनअप्रूव कॉलोनी का ऐसा नहीं है, उसमें क्या है कि अगर उनके पास पट्टा है उसमें जी। वो अपना बिजली का बिल भी दे रहे हैं और उनके पास उन्होंने अपना 5 साल की उन्होंने अपनी रसीद भी कटाई हुई है जी। उनको भी मिल जाता है। अवैध कॉलोनी में तो नहीं दे पाएंगे जी। सर देखने में आ रहा है कुछ लोगों ने मकान बना लिए पर उनकी किस्त अभी तक नहीं मिल पा रही है। नहीं देखिए वो ऐसा नहीं है, किस्त वो इसलिए नहीं मिल पा रही कि जब तक वो आखिरी किस्त जो है वो जब अपनी तरफ से कंप्लीट करें तभी मिलेगी ना। पहली किस्त 25,000 की मिलती है लोगों को, उसके बाद नहीं मिल पाती। नहीं उसके बाद तो जब वो कंस्ट्रक्शन कर लेंगे उसके बाद जितना 25,000 का जो उनकी लिमिट है उसके बाद फिर वो जब वो अपना बिल सबमिट करें तब उसके बाद फिर द्वार से वेरिफिकेशन होने के बाद फिर मिलता है। मंदसौर में पूरा निर्माण हो गया उसके बाद भी उनकी किस्त नहीं आई है सर? नहीं ऐसा नहीं है हमारे पास। ऐसा बताइएगा, नगर निगम इंजीनियर हैं गुप्ता जी हैं, इनको बताइएगा। 7 जिले मेरे पास हैं तो उसका मैं इनके साथ में जो भोपाल से आए यदु शर्मा जी, मैडम बलविंदर, तो इनके साथ यहाँ आया हूँ निरीक्षण में, और ये BLC के जो लोग मकान बना रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। हर स्टेज पे इनका जियो टैगिंग होता है। हमारे इंजीनियर जो हैं यहाँ पर मिस्टर जो एक तो ये गजेंद्र है और एक ये महेश है, तो ये दोनों यहाँ पर जांच करते हैं और इनकी किस्त के लिए ये लोग वहाँ से रिकमेंड करके यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तब इनको सेकंड किस्त यहाँ की ULB जो है नगर पालिका वो इनको प्रदान करती है। तो हर स्टेज पे इनका जियो टैगिंग होता है और ये दिल्ली तक जाता है जी। तो हर स्टेज पे होता है तो उसी स्टेज के हिसाब से इनको अगली किस्त मिलती रहती है, और फाइनल जब होता है उसमें फाइनल में सब चीज़ें देखी जाती हैं, मेजरमेंट लिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तब उसको आखिरी किस्त दी जाती है, ताकि वो कोई कमी नहीं रहने दे मकान में। लेटरिंग को पक्का बना के रखे, सीट लगा के रखे, टाइल्स लगा के रखे, किचन में ग्रेनाइट लगा के रखे, ये सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। हाँ, हाई टेंशन लाइन के नीचे हम किसी को भी BLC वाले को पैसा नहीं दे रहे हैं इनको, बल्कि हमने यहाँ के इंजीनियर जो लोकल के हैं गुप्ता जी, गजारा जी गुप्ता हैं, इनको बताया है कि आप ऐसे लोगों की सूची बना लीजिए, इनको कहीं दूसरी गवर्नमेंट की ज़मीनों में पट्टे दिलवा दीजिए और वहाँ पर इनका केस बना के इनको भी पैसा दिलवाइए। या AHP के अंतर्गत जो मकान बनाते हैं, मल्टी बनाते हैं, वो बनाना है इनको, यहाँ पर मंदसौर में ही प्रस्ताव है, ऐसे लोगों को वहाँ लिस्ट बना के उनको उसमें मल्टी में फ्लैट दिलवाइए। EWS फ्लैट गरीब लोगों के लिए है जिनकी आय 3,00,000 रुपये से कम है साल की, और जिनका कहीं भारत में पक्का मकान नहीं है। ठीक है, ब्यूरो रिपोर्ट SRM टुडे मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज़।